जय गणेश, नमस्कार, जय मां भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा रोहिणी का वास। यह एक पंचांग के अनुसार विशेष विषय है रोहिणी का वास। कुछ लोग पूछते हैं कि रोहिणी का वास किसके घर में है, कहां पर है, समय का वास कहां है। तो इसमें रोहिणी का वास संवत 2080 यानी ईस्वी सन 2023 में रोहिणी का वास कहाँ होगा। मेष संक्रांति का प्रवेश श्रवण नक्षत्र कालीन हुआ है, अतः रोहिणी का वास समुद्र के तट पर होगा। यथा इस प्रकार है कि यदि विधि धिषण्य पतति तटस्थम शुभ जला वृष्टि धनकण वृद्धि, अर्थात तट पर रोहिणी का वास होने से आगामी वर्ष उपयोगी एवं उत्तम अच्छी वर्षा होने के योग बनते हैं। फलस्वरूप धान्य, चावल, चने, गन्ना, वृक्ष, घास व अन्य जड़ी बूटियों के पौधों की पैदावार अच्छी होगी। प्रजा में अन्न धन एवं अन्य सुख संसाधनों प्रसंसाधनों की वृद्धि होगी। तते वृष्टि सुशोभना के अनुसार भी संतोषजनक एवं पर्याप्त वर्षा होगी। जय मां भवानी, जय श्री राम। रोहिणी का वास।